भैया, अगर एक बार इसके साथ इन भक्तों की डालिया में शामिल हो जाए, एक बार हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मैं कहता हूँ आनंद हजार गुना बढ़ जाएगा, दोनों हाथ उठाकर एक बार। जादू करेंगे आपका मनोरंजन, इसके साथ साथ में देंगे आपको ढेर सारी जानकारी। नहीं है, देखो जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आपको करना है, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आपको करना है। इसमें हम गांड लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, हम गांड लगा देते हैं। एक बोला है सबको दिख रहा है और दूसरा भी बोला है क्योंकि ये हमने गांड लगा दी है ना, और इसको ध्यान से देखेंगे, कहां यहां से यहां डालेंगे और यहां से डालेंगे, यहां डालेंगे और यहां निकालेंगे और यहां से और नीचे निकाल करके और कोई गांठ हम नहीं लगते। सिपाया सिपाया उधर करके दिखाओ एक बार, yeah।
भी खाली नहीं, बस एक पैसा होगा और देखेंगे। देखिए कैसी है याद उसमें जब चलता है, देखिए वाटर से करेंगे। ये हमारे पास एक जग दूध है और इस दूध को कैसे हम लोग खोपड़ी में दूध पिला दें, ध्यान से देखिए। तुम्हारे खाने के सामान पर बैठेंगे, फिर वही गंदा खाना तुम सभी लोग खाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे, तो बताओ बीमारी होगी कि नहीं होगी।
अरे क्यों सोचोगे, तुम दोनों की अकल में तो उल्लू अंडा दे गया है ना। मैं अब आप ही बताओ ना। और सही स्थान क्या है कि नगर पालिका परिषद गोला की तरफ से जगह जगह पर पूरे शहर में कूड़े दान रखवाए गए हैं, वहाँ ले जाकर के अपने घर का कूड़ा उसमें डाल दिया करो, फिर सफाई कर्मी आएंगे और उस कूड़े को लेकर के चले जाएंगे, उसका सही जगह ले जाकर के उसका निस्तारण करेंगे। इस तरीके से तुम्हारे घर के आसपास गंदगी नहीं रहेगी, साफ सफाई रहेगी, और जब साफ सफाई रहेगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बताई। इसका मतलब समझती हो? अरे सफाई सबसे बड़ी दवाई। हाँ, सफाई सबसे बड़ी दवाई, लेकिन सफाई केवल सरकार के भरोसे पे नहीं होती। आप सभी लोग अपना अधिकार तो समझती हो, लेकिन अपना कर्तव्य भी समझो। सभी लोग जब साफ सुथरा रखोगे तभी हमारा शहर साफ सुथरा रहेगा, और सभी लोग अपना अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते रहें जिससे हमारा ये गोला सुंदर गोला स्वच्छ गोला बन जाए। ठीक है, आज से हम लोग किसी के दरवाजे पर कूड़ा नहीं डालेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं डालेंगे, और आज से हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। आओ, हम लोग भी तुम्हें मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ चली जाओगी। क्यों, अब क्या बात है? अरे भाई, तुम दोनों की समझ में तो बात आ गई, लेकिन ये बात तो सबको समझनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम लोग जाकर के आज से अपने आसपास के सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों का बात बताएंगे। चलो भाई, हम लोग चलते हैं। वाह, इन दोनों की समझ में तो बात आ गई, पर क्या आप लोगों की समझ में बात आई? अगर बात समझ में आ गई हो तो जरा एक बार जोर से ताली बजा दीजिए।